का मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे पफिनेस है, ठीक है, एंड ये चारों तरफ थोड़ा फैट, ठीक है। सो ये साइड आपका ज़्यादा है, इसमें आपका पेन भी यहाँ पर ज़्यादा पेन होता है ना, तो उसका रीजन ये पेन में नहीं। ओके, सो उसका ये रीजन है कि वो जो है यहाँ पे ग्लैंड और टिश्यू बड़ा है जिसकी वजह से ये पेन होता है, ठीक है। सो कब से ये प्रॉब्लम है आपको? करीब 2 साल पहले हमको पता चला कि 2 साल पहले। ओके, तो पेन की वजह से आपने ये देखा या फिर क्या, मतलब मेन क्या चीज की दिक्कत होती थी? दिखने में ठीक नहीं था दोनों साइड ही है ना? सो मतलब दोनों एक साइड बड़ा होने लगा वो दिक्कत हुई या क्या दिक्कत आई कि आपने जो है सर्जरी का सोचा? सर्जरी का इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरा मेडिकल था, तो वहाँ फिर क्या चीज का मेडिकल था? सेंट्रल पुलिस ऑफिसर SSCP। तो आपको ये पता नहीं था कि इसका सर्जरी करा के जाना चाहिए? नहीं, हमको लगा कि पास कर देंगे हम, डॉक्टर से भी वहाँ दिखवाते तो बोले कि कभी, एक डॉक्टर बोला कि 2 से 3 साल में ठीक हो जाता है। अच्छा, और वहाँ भी मतलब पर इतना ये तो इतना ऑब्वियस है, दूर से दिखता है ये तो इसमें, और ये यहाँ पे अगर हम फील कर दें तो ग्लैंड भी आपको देखो फील भी होता, आपको भी खुद फील होता होगा। सो अगर इस साइज का है किसी का तो पुलिस में, मेडिकल में, आर्मी में, बहुत सारी CRPF में इसमें दिक्कत करता है ये। सो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सो हम इसको करेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपको दोबारा से मेडिकल पहले करवाना होता है। अच्छा, अभी मेडिकल के, हाँ, तो 6 महीने बाद मतलब मेरा होगा, 6 महीने के बाद, ठीक है। सो इसमें हमारा क्या प्लान है? हमारा प्लान है यहाँ से हम पंचर रोल करेंगे, ठीक है, पहले इस एरिया को नम करेंगे चारों तरफ, पहले इस फ्लूइड से इंजेक्ट करेंगे, नम कर देंगे। मेन क्या आपका ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये दोनों सिमेट्रिकल, दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, शेप एक जैसा दिखना चाहिए। ये जो बाहर दिख रहा है अगर हम साइड से देखते हैं तो ये कम्प्लीटली बाहर दिखता है, वो नहीं दिखाई देगा एंड एक नॉर्मल शेप हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम ये आपका जो मेडिकल में उन्होंने लिख के दिया होगा, राइट, कि जाएगा मिस्टेक है उसको करेक्ट करने। तो ये मैं बहुत पहले भी बताते रहता हूँ कि अगर आप हैं तो चांस मत लीजिए, करा के जाइए, बेसिकली वेस्ट होता है ना टाइम। पर मेरे ख्याल से आप लोग सोचते हैं कि शायद निकल जाएगा ना, उन्होंने अनफिट कर दिया, नेक्स्ट बार मैं मतलब नहीं नहीं मतलब पहले करा लेते तो अभी तक आपका हो गया था ना, इस बार हो जाता। तो फिर ये क्यों, मैं कई बार बोलता हूँ कि आप पहले करा के जाइए तो फिर भी, लेकिन सब लोग ये सोचते हैं कि शायद हो जाएगा, वैसे ही है, ध्यान नहीं आएगा। और जो डॉक्टर को भी दिखाया आपने उनको भी इतना पता नहीं है, राइट? नहीं, उन्होंने तो वहाँ पे मतलब छू करके ऐसे ऐसे दबाया था। नहीं, जो आप पहले डॉक्टर को दिखाए थे कि शायद वो बोले थे कि हो जाएगा, तो उनको इतना नॉलेज नहीं है। सो किसी का भी अगर इस तरह का अपीयरेंस है सो सर्जरी करा के जाइए, और ताकि दोबारा से आपको अनफिट ना करें, एंड डेफिनेटली हम इसको करेक्ट कर देंगे, फिर दोबारा से आपको देंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं।